आज हमारा लास्ट डे है कुमरात में और आज हम लोग वापस जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। तो इंशाल्लाह 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 हो सकता है आज रात की जो स्टे हम लोग इस्लामाबाद में करें या फिर आज रात को ही हम लोग फैसलाबाद चले जाएँ, हसन अपने घर की उड़ा चला जाए। बट जो भी है बहुत मज़े की जगह थी, आप सब भी आना यार। वो गई थी आपकी गीली हो गई है। आगे शूज गीले थे, रात को थोड़ी सी तबीयत भी ठीक थी, सेल तो बिल्कुल ऑफ हो गया था। मैं किसी से तार मिली थी जो कि कुछ देर के लिए मैंने पावर बैंक पे लगा लिया और सेल चार्ज पे आ रहे हैं। आखिरकार आ ही गया। दे 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 आजा 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये भाई ने गाड़ी चलाई है, बहुत अच्छी ड्राइविंग की। सर अच्छा लगा आपकी ड्राइविंग देख के। बाबी ने दबा बाबा बहुत बढ़िया गलियां कर दिया था। बाबा सुनो ना, उसी से खोल के आवाज मारो बंगाली। अरे शीशे पर आप बंगाली नहीं, अच्छा नहीं लगेगा यार। भाई इधर से हम लोग जाएंगे अहमद भाई के साथ, तो फिर जाके सो जाएंगे, बहुत ज़्यादा थके हुए। सो गाइस फाइनली हमारा जो 3 दिन का ट्रिप था वो कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग वापस जा रहे हैं, हसन भी अपने अपने घर को हम लोग सब निकल रहे हैं। अहमद भाई जो हैं हसन और मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग अपने अपने घर। बहुत मज़ा आया, 3 दिन का ट्रिप था, पता नहीं मतलब कैसे निकल गया। इतना अच्छा मौसम था, इतनी अच्छे मतलब जगह थी, पहाड़ जंगल दरिया सब कुछ ही बहुत फिट था। और मैं सबसे मतलब आप लोग अगर जाना चाहते हो तो ज़रूर जाना, उस जगह बहुत अच्छी जगह है। और अहमद भाई का जो कौन सा आपका वाटर ट्रिप मतलब अच्छा था यार, सब बहुत अच्छे से इन लोगों ने मैनेज किया अहमद भाई ने स्पेशली। थैंक यू सो मच अहमद भाई, शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग वापस जा रहे हैं। आई होप कि आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक दीजिएगा तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना क्योंकि मेरी हर न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं किसी न्यू व्लॉग में। अल्लाह। फैसलाबाद बनवाना है। हाँ, अभी टिकट बनवाना है। आप पीछे चले जाओ। मुकम्मल कंप्लीट हो चुकी है, वैसे भी फैसलाबाद में लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत
बहुत से ऐसे पाकिस्तान में बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, आने जाने का कोई भी सीन नहीं है। तो ओपन टिकट मिला है हम लोगों को। ओपन टिकट का क्या था, हम लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता कि ओपन टिकट होता क्या। हम लोगों ने दिया, हम लोगों ने ले लिया और हमें बाद में बोलते हैं कि भाई जाओ खड़े हो जाओ। फिलहाल हम लोग खड़े हुए हैं, ये भाई भी ओपन टिकट लेकर बैठे हुए, वो भी और मैं भी। तो ओपन टिकट चल रहा है भाई, हम लोग बैठे हुए हैं। फिलहाल सीन ऐसा है कि फैसलाबाद जाना है, हाँ 4.5 या 4 घंटे जो है हम लोगों को खड़े रहना पड़ेगा इधर, और उसके बाद हम लोग फैसलाबाद पहुँचेंगे, तब हम लोग निकल जाएंगे। और टिकट जो है वो जगह जो है वो कम्प्लीट है। ओपन टिकट भी इधर का 750 का मिला है, फैसलाबाद का 750 का सिर्फ ओपन टिकट मिला है। मतलब खड़े हो गए आपने जाना है, तो इतना अजीब सा सीन है पाकिस्तान रेलवे का, ये अच्छा नहीं है, कोई मज़ा नहीं है।